नमस्कार, दैनिक थोक मूल्य विवरणमा तपाईलाई स्वागत छ। दैनिक थोक मूल्य विवरणको साथमा उपस्थित भएको छु म राजा रामडंगल। तपाई तरकारी तथा फलफूलको दैनिक थोक मूल्य विवरण हरेक दिन बिहान 9 बजेको समाचारपछि र बेलुका 6 बजेको समाचारपछि कृषि रेडियो 101.5 MHz र अनलाइन www.krishiradio.org.np को साथै मोबाइल एप्लिकेशनबाट पनि एकैसाथ सुन्न सक्नुहुन्छ। दैनिक थोक मूल्य विवरणमा हामी दादिङको दुनिबिसी छ धार्केमा रहेको तरकारी बजार र काठमाडौँको कालीमाटी तरकारी बजारमा रहेको थोक मूल्य विवरण प्रसारण गर्ने गर्दछौँ। अब भने सुरु गरौँ दादिङको धार्केमा रहेको तरकारी बजारको आजको थोक मूल्य विवरणबाट। गोलभेडा प्रति किलो 15-18 रुपियाँसम्म, तिते करेला प्रति किलो 40-45 रुपियाँसम्म, काँक्रो लोकल प्रति किलो 25-30 रुपियाँसम्म, काँक्रो हाइब्रिड प्रति किलो 10-15 रुपियाँसम्म, सिमी लोकल 65-70 रुपियाँसम्म, सिमी हाइब्रिड प्रति किलो 70-80 रुपियाँसम्म, अकबरी खुर्सानी प्रति किलो 100-130 रुपियाँसम्म, लामो पिरो खुर्सानी प्रति किलो 60-70 रुपियाँसम्म, कालो पिरो खुर्सानी प्रति किलो 70-80 रुपियाँसम्म, भेडी खुर्सानी प्रति किलो 80-85 रुपियाँसम्म, नयाँ अदुवा प्रति किलो 30-35 रुपियाँसम्म, पुरानो अदुवा प्रति किलो 50-75 रुपियाँसम्म, झुसे बरेला प्रति किलो 80-100 रुपियाँसम्म, मकै बोडी प्रति किलो 50-60 रुपियाँसम्म, तने बोडी प्रति किलो 20-25 रुपियाँसम्म, घिरौला प्रति किलो 30-35 रुपियाँसम्म, लौका प्रति किलो 20-25 रुपियाँसम्म, चिचिन्डो प्रति किलो 20-25 रुपियाँसम्म, साग प्रति किलो 90-100 रुपियाँसम्म, काउली प्रति किलो 80-100 रुपियाँसम्म, अम्बा प्रति किलो 30-35 रुपियाँसम्म रहेको छ। धार्केको थोक मूल्य विवरणपछि अब भने पालो भएको छ काठमाडौँको कालीमाटी तरकारी बजारको थोक मूल्य विवरणको। ठुलो गोलभेडा भारतीय प्रति किलो 50-60 रुपियाँसम्म, सानो गोलभेडा लोकल प्रति किलो 5-10 रुपियाँसम्म, सानो गोलभेडा टँडेल प्रति किलो 10-15 रुपियाँसम्म, रातो आलु प्रति किलो 56-58 रुपियाँसम्म, रातो आलु भारतीय प्रति किलो 26-28 रुपियाँसम्म, रातो आलु मुढे प्रति किलो 44-46 रुपियाँसम्म, सेतो आलु प्रति किलो 41-42 रुपियाँसम्म, सुकेको प्याज भारतीय प्रति किलो 40-42 रुपियाँसम्म, गाजर लोकल प्रति किलो 150-160 रुपियाँसम्म, गाजर तराई प्रति किलो 140-150 रुपियाँसम्म, बन्दा लोकल प्रति किलो 40-50 रुपियाँसम्म, स्थानीय काउली प्रति किलो 70-90 रुपियाँसम्म, रातो मुला प्रति किलो 30-40 रुपियाँसम्म, सेतो मुला लोकल प्रति किलो 20-25 रुपियाँसम्म, सेतो मुला हाइब्रिड प्रति किलो 25-30 रुपियाँसम्म, लाम्चो भन्टा प्रति किलो 40-50 रुपियाँसम्म, डल्लो भन्टा प्रति किलो 50-60 रुपियाँसम्म, धने बोडी प्रति किलो 60-80 रुपियाँसम्म, मकै बोडी प्रति किलो 90-100 रुपियाँसम्म, घिउसिमी लोकल प्रति किलो 70-90 रुपियाँसम्म, घिउसिमी हाइब्रिड प्रति किलो 60-80 रुपियाँसम्म, टाटे सिमी प्रति किलो 150-160 रुपियाँसम्म, भटमास प्रति किलो 80-90 रुपियाँसम्म, तिते करेला प्रति किलो 60-80 रुपियाँसम्म, लौका प्रति किलो 40-50 रुपियाँसम्म, परवल लोकल प्रति किलो 70-80 रुपियाँसम्म, पर्वत तराई प्रति किलो 70-80 रुपियाँसम्म, चिचिन्डो प्रति किलो 30-40 रुपियाँसम्म, घिरौला प्रति किलो 40-60 रुपियाँसम्म, झिगुनी प्रति किलो 60-70 रुपियाँसम्म, पाकेको फर्सी प्रति किलो 40-45 रुपियाँसम्म, हरियो फर्सी डल्ले प्रति किलो 40-50 रुपियाँसम्म, भिँडी प्रति किलो 50-60 रुपियाँसम्म, पिँडालु प्रति किलो 40-50 रुपियाँसम्म, इस्कुस प्रति किलो 15-20 रुपियाँसम्म, रायोको साग प्रति किलो 180-190 रुपियाँसम्म, पालकको साग प्रति किलो 250-280 रुपियाँसम्म, चम्सुरको साग प्रति किलो 250-300 रुपियाँसम्म, तोरीको साग प्रति किलो 80-90 रुपियाँसम्म, प्याज हरियो प्रति किलो 180-200 रुपियाँसम्म, च्याउ कन्या प्रति किलो 200-220 रुपियाँसम्म, च्याउ डल्ले प्रति किलो 380-400 रुपियाँसम्म, कुरिलो प्रति किलो 800-900 रुपियाँसम्म, न्युरो प्रति किलो 70-80 रुपियाँसम्म, ब्रोकाउली प्रति किलो 250-300 रुपियाँसम्म, चुकुन्दर प्रति किलो 90-100 रुपियाँसम्म, सजीवन प्रति किलो 180-200 रुपियाँसम्म, बन्दा रातो प्रति किलो 350-400 रुपियाँसम्म, जिरीको साग प्रति किलो 350-400 रुपियाँसम्म, सेलरी प्रति किलो 400-450 रुपियाँसम्म, घाँटे मुला प्रति किलो 80-90 रुपियाँसम्म, इमली प्रति किलो 140-150 रुपियाँसम्म, तामा प्रति किलो 90-100 रुपियाँसम्म,
गुन्द्रुक प्रति किलो 200 देखि 220 रुपियाँसम्म, स्याउ फुसी प्रति किलो 200 देखि 250 रुपियाँसम्म, केरा दर्जन 90 देखि 100 रुपियाँसम्म, कागती प्रति किलो 190 देखि 200 रुपियाँसम्म, अनार प्रति किलो 280 देखि 300 रुपियाँसम्म, सुन्तला भारतीय प्रति किलो 120 देखि 130 रुपियाँसम्म, तरबुजा हरियो प्रति किलो 40 देखि 50 रुपियाँसम्म, मौसम प्रति किलो 120 देखि 130 रुपियाँसम्म, भुइँ कटर प्रति ओटा 150 देखि 160 रुपियाँसम्म, काँक्रो लोकल प्रति किलो 40 देखि 50 रुपियाँसम्म, काँक्रो हाइब्रिड प्रति किलो 20 देखि 25 रुपियाँसम्म, निबुवा प्रति किलो 50 देखि 60 रुपियाँसम्म, नासपाती लोकल प्रति किलो 50 देखि 60 रुपियाँसम्म, नासपाती चाइनिज प्रति किलो 220 देखि 230 रुपियाँसम्म, मेवा भारतीय प्रति किलो 90 देखि 100 रुपियाँसम्म, अम्बा प्रति किलो 80 देखि 100 रुपियाँसम्म, लप्सी प्रति किलो 50 देखि 60 रुपियाँसम्म, किवी प्रति किलो 600 देखि 700 रुपियाँसम्म, अदुवा प्रति किलो 80 देखि 90 रुपियाँसम्म, सुकेको खुर्सानी प्रति किलो 300 देखि 320 रुपियाँसम्म, हरियो खुर्सानी प्रति किलो 40 देखि 50 रुपियाँसम्म, हरियो खुर्सानी बुलेट प्रति किलो 90 देखि 100 रुपियाँसम्म, खुर्सानी हरियो माछे प्रति किलो 50 देखि 60 रुपियाँसम्म, खुर्सानी हरियो अकबरे प्रति किलो 150 देखि 200 रुपियाँसम्म, भेडी खुर्सानी प्रति किलो 100 देखि 120 रुपियाँसम्म, हरियो लसुन प्रति किलो 280 देखि 300 रुपियाँसम्म, हरियो धनियाँ प्रति किलो 300 देखि 400 रुपियाँसम्म, सुकेको चाइनिज लसुन प्रति किलो 190 देखि 210 रुपियाँसम्म, सुकेको नेपाली लसुन प्रति किलो 160 देखि 170 रुपियाँसम्म, सुकेको छ्यापी प्रति किलो 280 देखि 300 रुपियाँसम्म, हरियो छ्यापी प्रति किलो 250 देखि 300 रुपियाँसम्म, ताजा माछा रहु प्रति किलो 270 देखि 280 रुपियाँसम्म, ताजा माछा बचुवा प्रति किलो 225 देखि 235 रुपियाँसम्म, ताजा माछा छडी प्रति किलो 220 देखि 230 रुपियाँसम्म, ताजा माछा मङ्गुरी प्रति किलो 250 देखि 260 रुपियाँसम्म रहेको छ। काठमाडौँको कालीमाटी तरकारी बजारको थोक मूल्य विवरणसँगै आजको थोक मूल्य विवरणबाट म राजाराम डङ्गोल पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते।